खबर ही कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कही के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खपरी नाव है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। पता है हमको ऐसे काहे पूरा ऐसे स्पीकर बजा दिए कान में, हमको लगा ना नहीं समझते, हमको पता था। ए चींटू तुम्हारी मोटी यहाँ का कर है, तनिक लेकर जाओ, यहाँ पड़ा रहता हाल संभाल के रखे। अब बेटा डांट नहीं रहे हैं मम्मा, तुमको समझा रहे हैं, चीज को व्यवस्थित संभाल के रखना सीखो। हम आज है कल नहीं है का, मतलब कहीं बाहर चले गए, हम अम्मा के घर चले गए, फिर कौन संभालेगा? नहीं ना, तो आप संभाल के रखो ना। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो? बढ़िया हो ना? हम चिंटू को का बोल रहे हैं, ये इसकी टीवी का छोटी टीवी है ना, तो छोटा रिमोट है उसके कमरे में, तो हम दिए, संभाल के नहीं ना रखते। हम कब तक संभालेंगे ये बताओ? आपने जिम्मेदारी खुद से सीखोगे तो फिर कल पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, अलग जाओगे, नौकरी करोगे, कुछ भी है ना, आगे कहीं पढ़ोगे तो फिर खुद का ध्यान बड़े हो रहे हो नहीं ना रखना है। ऐसे तो बोलते हो कि ये करेंगे अम्मा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं हमारे चिंटू जी के क्या करना है, अभी हम फ्री छोड़ दिए हैं। ऐसे नहीं कि जो तुमको ठीक लगे, जो अच्छा लगे वही करो, पर अभी पढ़ाई में फोकस करो, अभी तो छोटे हैं ना हमारे चिंटू जी। क्या कहते हो दर्शक लोग, आप कैसन हो ये बताओ? सब बढ़िया है, घर में सब कैसे हैं? सब बड़ों को हमारा प्रणाम और छोटों को खूब खूब आशीर्वाद। हमारा तो तबीयत आजकल सही बता रहे हैं दर्शक, नहीं ना ठीक रहता है, क्या बताएं, इसलिए आपसे ज़्यादा बात भी नहीं ना कर पाते हैं। हमको लगता है कि आपको लगता हो कि आंटी को क्या हो गया है आजकल, बेटी का है ना शरीर में बुढ़ापे में ना इतना दर्द होता है ना दर्शक लोग, क्या बताएं, हड्डियाँ बहुत मतलब बहुत दर्द, हेल्दी खाना, हेल्दी रहना, हमें तो बाल भी झड़ रहे हैं। बोलो हम तो खबर लेकर आए थे अपना, का सब लेकर बैठ गए? वो सीरियल नहीं है गुम है किसी के प्यार में, फेमस हुए थे ना नील भट्ट जी, फिर एस्परिया जी से शादी किए, उनका जो शादी के बारे में कहे हैं, चलिए फोन से दिखाते हैं। गुम है किसी के प्यार में फेम नील भट्ट ने ऐश्वर्या शर्मा के साथ हल्दी समारोह की अनदेखी तस्वीरें शेयर की। गुम है किसी के प्यार में, जी हाँ, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा सबसे क्यूट कपल्स में से एक है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोनों एक्टर्स ने अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हाल ही में हल्दी समारोह से जी हाँ एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है। तस्वीरों में नील भट्ट पीले रंग का कुर्ता पजामा पहने बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वहीं ऐश्वर्या शर्मा पीले रंग के सूट और रंग बिरंगी मोजरी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने अपने लुक को हैंड एसेसरीज, नेकलेस, मांग टीका और इयररिंग से एसेसराइज किया। तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, अपने प्यार को चमकने दे। फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार की और नील और ऐश्वर्या को बेस्ट टेलीविजन कपल कहा। बता दें कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की मुलाकात उनके शो गुम है किसी के प्यार में की सेट पर हुई थी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। शो में नील विराट नाम के एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या उनके पिछले प्यार और अब पाखी नाम की भाभी की भूमिका निभा रही है। दोनों कलाकारों से पिछले साल सोशल मीडिया पर रोका सेरेमनी की तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था। दोनों ने नवम्बर 2021 में MP में शादी की। बता दें कि हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में नील ने कहा, मैं एक बहुत ही नॉर्मल आदमी हूँ जो एक नॉर्मल परिवार से ताल्लुकात रखता है। मैं एक नॉर्मल गुजराती आदमी की तरह हूँ, मुझे चीज़ें केवल अपने तक ही रखना पसंद है। मेरे लिए शादी बहुत पवित्र है। मैं एक्टर नील की शादी का बैगेज नहीं लेना चाहता था, मैं चाहता था कि एक नॉर्मल लड़के की तरह शादी करूँ, इसलिए मैंने शादी के समारोह को वास्तव में सिंपल रखा और मैंने हर चीज़ का भरपूर आनंद लिया। मैंने अपनी शादी की को गुप्त रखने का कभी इरादा नहीं किया, लेकिन ऐसा होने से पहले मैं वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। बता दें हाल ही में नील और ऐश्वर्या ने भी शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन डे मनाया और सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की। आपको ये कपल कैसा लगता है और आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब दर्शकों आपको खबर दिखाकर जाना होता है तो हमको अच्छा नहीं ना लगता है, पर क्या करें, आपका ज्यादा समय भी नहीं ना ले सकते हैं, तो अब का ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, फिर मिलते हैं कल नई खबर लेकर। दर्शकों बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की।